तो फिर मैं क्या करूँ, मैं 9 बजे तो मैं पूरी हाँ आप एक काम करो, अब मुझे नहीं समझ आ रहा सुबह ऑफिस कैसे जाएंगे क्योंकि सारे कपड़े उनके पास हैं। मैंने रोका है और आज, क्या आज मैंने नहीं रोका, तुमने ही रोका है भाई गोलगप्पे खाने के लिए। यार ये ना मैंने एक पार्सल मंगाया था अमेजोन से, इसमें तो ये है वो वुडन फ्लोरिंग की पॉलिश। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है दिल्ली वालों को, गुड़गांव वालों को, NCR वालों को कि मंडे को कैसा ट्रैफिक होता है भाई। हमने सिर्फ सूजी के बोले हैं, ये वाले आटे के हमें पसंद नहीं है। तो अरे देख लो ये मेरे को पिक करने आ गई है, शाम के 7:15 हो गए हैं। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल, एक नया दिन एक नया व्लॉग। आज है मंडे 12 जून और इस समय बज रहे हैं सुबह के 6:30। तैयार उठ गए थे 5:45 पे, एज यूजुअल अनिता दीदी भी आ गई थी, ऑफिस तो जाना है तो मंडे मॉर्निंग इतनी अच्छी फीलिंग आती नहीं है, बट कोई बात नहीं ऑफिस तो जाना ही है यार, जैसे ही डे स्टार्ट होगा फिर अच्छा लगने लगेगा। तो बस यार अब मैं करने लगी हूँ लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। यार ये हो गया सुदीप का ब्रेकफास्ट पैक, ये सुदीप की चपाती पैक और ये मेरी चपाती पैक। यार लंच के लिए मैं बनाने लगी हूँ भिंडी, तो आपने कुछ एक दो वीडियो पहले देखा होगा सुदीप ने मेरे को बोला था यार भिंडी ले ले, मैंने उसको बोला था नहीं हमने अभी 2-3 हफ्ते पहले ही खाई है तो अभी नहीं खाएंगे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने सोचा अब वीक स्टार्ट हो रहा है ऑफिस जाना है तो उसके लिए भिंडी बना लेते हैं। यार भिंडी कट कर दी है, अनियन भी चॉप कर दिया है, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। भिंडी इज रेडी तो उसको पैक करते हैं। अरे मैंगो भी हो गए हैं पैक, देख रहे हो दोनों के कलर अलग हैं, है सेम ही मैंगो। तो यार ऑफिस के लिए तो हम लोग निकल चुके थे, बस 15 मिनट में और पहुंच जाऊंगा। जैसा कि आप मेरे आसपास भी देख सकते हो, पीछे आगे थोड़ा हल्का फुल्का दिख रहा होगा कैमरे में, मंडे है सुबह तो ये ट्रैफिक तो होना ही है। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है दिल्ली वालों को, गुड़गांव वालों को, NCR वालों को कि मंडे को कैसा ट्रैफिक होता है भाई। 15 के 20-25 भी हो सकते हैं, ऑफिस के जस्ट मैं बाहर ही हूँ, थोड़ा 15 मिनट लगते हैं यू टर्न लेके। वीक स्टार्ट करते हैं ऑफिस पहुँच के, काम वाम करते हैं और आप लोगों से सीधा मिलते हैं शाम को। Later that same evening. तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ सुदीप को लेने, आई थिंक 5-7 मिनट्स लगेंगे, मैं पहुँच जाऊंगी। तो अरे देख लो ये मेरे को पिक करने आ गई है, शाम के 7:15 हो गए हैं, फटाफट से अपना सामान वगैरह रख देता हूँ यहाँ पे। कैसा रहा भाई दिन? बहुत बढ़िया, तुम्हारा? मेरा तो सही था यार। चलो आओ आ जाओ, मंडे तुम्हें पता ही है कैसा होता है। तो यार अब मेरी बारी है चलाने की, चलो भाई ये जाएगी उधर, बैठते हैं यहाँ पे और फिर निकलते हैं सीधा घर के लिए। आज है मंडे, आप लोगों को पता ही है आज किसान मंडी जाना होता है हमें, तो हम पहुंच चुके हैं किसान मंडी, फटाफट से अंदर जाऊंगा, देखते हैं कि भाई कौन सी ज़्यादा फ्रेश सब्जी लग रही है, प्लस हमने चेक कर लिया घर में कि क्या क्या सामान नहीं है, तो फटाफट से इस हफ्ते का सामान लेते हैं जाके और फिर चलते हैं घर ऊपर। काफ़ी भीड़ है किसान मंडी में, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको और अभी रुको, ये देखो यार इतने सारे अंडे एक साथ, भाई अंडों की ट्रे ही ट्रे है और ये किसान मंडी में आई है अभी, ये भैया एक एक करके रख रहे हैं। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कम से कम 400-500 अंडे होंगे आराम से, मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ भाई इतने सारे अंडे। यार ये तरबूज ले लिया, खरबूजे हैं फ्रूट में, बाकी ये मैंगो है ये उठाएंगे, बाकी आपको मैंने अंडे दिखाई दिए हैं बाहर वो लेने हैं वो ख़त्म है। सब्जी में देखता हूँ यार आज क्या है इस बार, यहाँ पर ये गोभी रखी है, गोभी नहीं ले रहे क्यों? पिछली बार तुमने भिंडी बना करवा दी, आज तुमने गोभी बना करा रहे हो यार, ले ले यार ये लेंगे भाई लेंगे गोभी लेंगे। तो यार ये देख लो सामान लिया है यहाँ पे, ये खरबूजा तरबूज और ये देख लो इसमें बहुत सारा सामान है जो घर का, जैसे चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई और अपना बिस्किट्स हो गए, वो सब नीचे रखा हुआ है, वो देखो पीछे ये सब ख़त्म हो गया था, प्लस यहाँ पे ब्रेड है और सब्जियाँ वगैरह नीचे जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये सामान रखवा दिया गाड़ी में, अब फटाफट से निकल रहे हैं यार घर के लिए। यार घर जा रहे थे हम ऊपर लेकिन इसने मुझे नीचे रोक लिया है। क्यों रोका है भाई? मैंने रोका है और क्या, आज मैंने नहीं रोका, तुमने ही रोका है भाई गोलगप्पे खाने के लिए। तो अब ये इसके पीछे गोलगप्पे यहाँ पे बीकानेर है, तो चलें फिर हमने सिर्फ सूजी के बोले हैं ये वाले आटे के हमें पसंद नहीं है। ये देखो यहाँ पे तैयारी चल रही है, अभी हमें प्लेटें देंगे और हम करेंगे स्टार्ट, तैयार हो? ये देख लो भाई शुरू हो गया भाई हिसाब किताब, ये आ गया पहला, ये देखो कैसा है भाई, सही है। साथ में एक स्प्रिंग रोल भी लिया था, हाफ प्लेट है ये, फुल नहीं लिया, 4 ही पीस है। A few moments later. वो रास्ता देख रहे हो यार वो वाला, वो वहाँ से वो उधर वाला, वहीं से आए हैं आज हम लोग और भाई नीचे का नज़ारा देख लो, अभी इस टाइम 8 बजे हैं, फुल चहल पहल है भाई प्रॉपर। मेरी हालत देख रहे हो भाई, इतनी गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी है आज, मैं क्या बताऊँ, बुरा हाल हो रखा है बाहर। अभी जस्ट पहुँचे हैं घर, नीचे से खा के ऊपर आए हैं, अब कुछ टीवी भी लगाऊंगा यार और टीवी लगा के कुछ देखते हैं। ये मैंने कट कर दिया है और इसको मैं रख रही हूँ थोड़ी देर ये फ्रीजर में, क्योंकि सुदीप को खाना है अभी। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं 9 बजे तो मैं पूरी देटा हाँ आप एक काम करो उसमें ना, नहीं नहीं सुनो,
उसमें एक टी शर्ट, कोई भी एक टी शर्ट उसमें से निकाल के ना, जो कॉलर वाली टी शर्ट है वो एक टी शर्ट आप दे दो नीचे, मैं ले लेती हूँ रिसेप्शन से. ठीक है ठीक है, अभी दे देना याद से प्लीज. क्या हुआ? अरे वो कह रहे हैं नीचे सब खराब हो गई है, प्रेस वगैरह. जैसे कि मैं उसे बात कर रही थी अभी प्रेस वाले से, तो आज कह रहे हैं कपड़े प्रेस नहीं हुए. क्यों? क्योंकि कुछ लाइट का प्रॉब्लम था तो नीचे कर नहीं पाया. बेसमेंट में अंधेरा भी होता है तो नहीं हो पाता. मुझे नहीं समझ आ रहा सुबह ऑफिस कैसे जाएंगे क्योंकि सारे कपड़े उनके पास है. तो बट वो कह रहा है कि वो नीचे रिसेप्शन पे गार्ड को एक दो कपड़े हमारे दे जाएगा अभी, तो मैं खुद प्रेस कर लूंगी और फिर ऑफिस जाएंगे. तो यार ऐसा है, अभी हम फंस जाते हैं भाई. आज हम जब निकल रहे थे ऑफिस के लिए सुबह, तो हमने धोबी को कपड़े दिए प्रेस करवाने के, जैसे हम हर मंडे देते हैं. शाम तक जब हम ऑफिस से आते हैं तो कपड़े हमारे घर के बाहर ही पड़े होते हैं, तो हमें मिल जाते हैं. आज कपड़े ही नहीं थे. अब भाई होता क्या है, हम लोग भी वही 5-6 दिन के कपड़े लेके आते हैं, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे ही हैं. तो शाम को आके पता चला है कि भाई कपड़े किसी के भी प्रेस नहीं हुए हैं. तो मैं ये नहीं बोल रहा किसी की गलती है इसमें या धोबी की गलती है क्या, बस उसको एक चीज़ करनी चाहिए, उसे कॉल करके हमें बता देना चाहिए था कि यार आपके जो कपड़े हैं ना वो आज प्रेस नहीं हो पाए, सो दैट हम जब ऑफिस से आए तो हम वो लेते आते ऊपर, ताकि ये खुद घर पे प्रेस कर लेती और हम कल कपड़े पहन के निकल जाते. अब उसने लेट बताया तो ऊपर से अभी और भी काम है भाई, डिनर भी बना रहे हैं, मतलब कल के लंच की प्रिपरेशन भी करनी है, व्लॉग भी हम शूट कर रहे हैं, तो इस टाइम पे काफ़ी बिजी रहता है हमारा ऑफिस के बाद हिसाब किताब. बट कोई बात नहीं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने एक मेरी जो टी शर्ट है वो नीचे रिसेप्शन पे दे दी, अब मैं फटाफट से जाता हूँ और वो लेके ऊपर आता हूँ. बस पाव भाजी ऑलमोस्ट रेडी है, उसको बस अब फटाफट रेडी करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फिर मॉर्निंग में उसको पैक करेंगे. तो यार ये ना मैंने एक पार्सल मंगाया था अमेजोन से. यार इसमें ना हमारे क्योंकि रूम्स में सारी वुडन फ्लोरिंग है, तो ये है वो वुडन फ्लोरिंग की पॉलिश. तो वीक में 2 या 3 बार इससे पॉलिश करना है, तो मैं अनीता दीदी को ही बोल देती हूँ कि वो इससे कर दें. तो अभी ये मैंने नया मंगवाया है, पहले हमने कोई और यूज़ किया था, बट ये और बहुत बेटर ब्रांड है. जो हमने संजीव से पूछा था जो हमारे यहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया कि इस ब्रांड वाला पाउडर करो, तो ये अगर आप वुडन फ्लोरिंग पे वीक में 2 से 3 बार कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया फिनिश आती है. अभी तो मैं इस बॉक्स को नहीं ओपन कर रही हूँ, ये मैं करूँगी नेक्स्ट वीक तक. एक बार अनीता दीदी को बोलूँगी कि मंडे वेंसडे और फ्राइडे इससे वुडन फ्लोरिंग पे पॉलिश कर दिया करें. तो अभी इसको पैक ही रहने देते हैं. और डिनर में मैं खा रहा हूँ ऑमलेट ब्रेड, लाइट रखना है यार थोड़ा. साथ में अभी इस टाइम पे वाटरमेलन वगैरह भी थोड़ा सा लूंगा, तो और लाइट ही डिनर है मेरा. सारी तैयारी हो गई है कल ऑफिस जाने की, और हमें आ रही है बहुत तेज नींद क्योंकि हम बहुत ज्यादा थक गए हैं अब सुबह से शाम तक. हम आपको मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना. टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट.